देखें अपने शनाख्ती कार्ड तसल्ली के साथ। अम्मी वाकई सही कह रही थी, अम्मी के आईडी कार्ड पे इस दफ़ा अम्मी की तस्वीर बहुत प्यारी आई है माशाल्लाह। वो और मेरे भी आईडी कार्ड पे इस दफ़ा तस्वीर बहुत खूबसूरत आई है, वरना पहले वाले मेरे शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर इतनी गंदी थी, मुझे किसी को दिखाते हुए शर्म आती थी। शुक्र अल्लाह पाक का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने सुबह व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, मैं ज़रा जल्दी जल्दी मैं स्कूल के लिए निकली थी, तो अभी मैं जस्ट घर पहुंची हूं और गेट से अंदर एंटर होने लगी हूं, तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। चल के देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें 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 क्या हो रहा है। हिबा सिक्योरिटी हो अल्लाह, अभी आपका फीवर आराम हुआ है, फिर हो गया। चेक करती हूँ मैं अभी थर्मामीटर से, अभी मैं चेक करने लगी हूँ हिबा का फीवर ताकि इसके मुताबिक इसको मेडिसिन दूँ। नाइन्टी हल्का सा टेम्परेचर है आपको, तो मैं आपको प्रोफीन सिरप देती हूँ, ठीक है। लंच कर लो, थोड़ा सा खाना खा लो, खाली पेट नहीं सिरप पीते फिर देती हूँ। जी अच्छा, नॉर्मल है, हल्का सा भी नहीं है। तो अलीना ने मुझे बताया कि 98.6 टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, सिरप की बात ज़रूरत नहीं है। वैसे ही थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, इसी की वजह से थोड़ी सुस्त होगी, तो लंच वगैरह करवाने के बाद देखती हूँ अल्लाह पाक रिफ्रेश हो जाए। आजकल मैं बहुत यानी कि आने जाने की तरफ से टेंशन में हूँ, कहीं छोड़ के आता है वापस, अभी इसी तरह बस मैनेज करती हूँ आने जाने का। तो हिबा को मैं आजकल स्कूल नहीं लेके जा रही हूँ, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि आने जाने का कोई अच्छा सा सलूशन हो जाए। तीन चार दिन तक उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। नेबर्स में हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम और उनका आज लेंटर डल रहा है, तो लेंटर की मशीन की बहुत ज़्यादा शोर हमारे घर में आ रहा है, तो मैं जा रही हूँ बाहर। गनी भी गए पार्क में, वहाँ से जाना है हमने नादरा के ऑफिस, तो चलते हैं फटाफट, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। ओके हिबा, अल्लाह हाफिज़। गनी और मैं जा रहे हैं अभी फ़िलहाल पार्क, पार्क में करनी है गनी ने थोड़ी सी रनिंग, तो मैं भी अपना थोड़ा सा व्लॉग बना लूँगी, वॉक भी कर लूँगी। हिबा को मैं नहीं लेकर आई हूँ साथ, क्योंकि धूप अभी बहुत ज़्यादा है और जाना भी थोड़ा हमने दूर है, वो बच्चे वैसे ही आजकल मौसम चल रहा है ख़राब, तो जुकाम फीवर उसको पहले हुआ है, तो हिबा को घर छोड़ कर आएगा नहीं, और मैंने पर्स पकड़ लिया जिसके अंदर दोनों स्लिप्स हैं, जो दिखा कर हमें नागरा की स्लिप पे शनाख्ती कार्ड लेना है। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा मैसेज नहीं आया था, अम्मी का मैसेज आ गया था, लेकिन अब अल्लाह करे शनाख्ती कार्ड मेरा भी मिल जाए, ये ना हो कि हमें दोबारा चक्कर लगाना पड़े। ये आ गए हम पार्क में और पार्क बिल्कुल खाली है, तो होगी गनी की और मेरी यहाँ पे जारादारी। गरीब पार्क बिल्कुल खाली है, जैसे मर्जी भागो दौड़ो, यहीं बैठी हो। हाँ ओके, ये गया है गनी। गनी का एक राउंड पूरा हो गया, अब उसने स्टार्ट कर दिया सेकंड राउंड, और मैं पार्क अभी आके भी आराम से बेंच पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं भी वॉक करूँगी। गनी की चीज़ें मेरे पास हैं, उनकी हिफाजत के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा भी पर्स पास है। गनी आ जाए उसके हैंड ओवर करके, थोड़ी सी वॉक तो मैं भी करूँगी। ये गनी का दूसरा राउंड भी माशाल्लाह पूरा हो गया। गनी नॉर्मली जो है वो 4 राउंड लेता है, और ये अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, पार्क है, और इसके 4 राउंड जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह एक बहुत अच्छी वॉक है। और अल्लाह पाक गनी को और ज़्यादा हिम्मत दे, इसको और ज़्यादा स्टेमिना दे कि ये अपनी एक्सरसाइज को और ज़्यादा बढ़ाए, और मेरा भी इंशाल्लाह ताला प्लान। मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ, थोड़ी सी जॉगिंग करती हूँ, तो मेरा सांस फूल जाता है और वहीं पे मेरी बस हो जाती है। फिर 2-3 दिन डर के मारे मैं आती ही नहीं हूँ, फिर 3-4 दिन बाद माइंड बना के बड़ी हिम्मत करके आती हूँ, और फिर ऐसे ही होता है। लेकिन अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह गनी को देख देख के मुझे भी थोड़ा जोश पैदा हो रहा है कि मैं भी रूटीन में करूँगी, तो इंशाल्लाह ताला करूँगी ज़रूर। अभी गनी का वेट कर रही हूँ, उसके 2 राउंड पूरे हो गए और 2 वो मज़ीद लगाएगा, और फिर हम जाएँगे नादरा के ऑफिस, जिस काम से एक्चुअली हम घर से आए हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह मेरा भाई आ गया है शहजादा सा, वॉक करके होगी पूरी, चले लेट्स गो। तुम पानी की बोतल भी नहीं पकड़ते हो, खाली पानी तो पिया करो, बाद में पसीने पसीने इतने आ जाते हैं। मैं भी प्यास नहीं आता। चलो गनी के राउंड हो गए पूरे, तो अब हम चल रहे हैं नादरा ऑफिस की तरफ, वो बाइक खड़ी है, जाते हैं बाइक पर बैठ। ये निकलवाए हैं रास्ते में पैसे, Thank you.
फाइनली मिल गया मेरा गनी का शनाख्ती कार्ड, तो हम जा रहे हैं घर। बाय बाय नादरा ऑफिस। सो हैप्पी, मेरा भी आईडी कार्ड मिल गया और हमें थोड़ा थोड़ा डर रही थी शायद गनी का मिले और मेरा ना मिले, तो हम जा रहे हैं घर वापस। और पीछे काफी शोर है ट्रैफिक का, तो प्लीज इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हम पहुँचे हैं रावी ब्रिज पर और घर भी बस करीब है, थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। अरे अभी पानी तो कम है, आप देख सकते हैं मुश्किल नजर आ रही है। हम पहुंच गए घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे शनाख्ती कार्ड आ गए हैं। ये मैं आपको दिखूं, ये मेरा आईडी कार्ड और आईडी कार्ड की तस्वीर देखो मेरी, सही आईडी कार्ड वाली है। और ये माशाल्लाह मेरा आईडी कार्ड पक्का, शनाख्ती कार्ड हमारे आ गए, सिर्फ रह गया हिबा का पे फॉर्म। उसके लिए मेरा एक और चक्कर लगेगा नादरा ऑफिस का, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी बनवा कर रखूँगी क्योंकि ज़रूरत है, हिबा का एडमिशन वगैरह के लिए रिक्वायर होता है ना हिबा। ओहो हिबा की ये चोट भी लग गई है और अलीना ने इस पे लगा दिया क्रीम अच्छी सी। बस केयर क्या करें गुड़िया, बुरी बात है कुछ छोटे खाती हैं आप। आज के व्लॉग को फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एंड करूंगी। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अम्मी आएंगी तो मेरे को गुड न्यूज देंगी कि अम्मी का अम्मी आपका आईडी कार्ड में लेकर आ गई हूँ। और कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। चैनल को सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है प्लीज। बाय बाय।